जॉब रिक्वायरमेंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल वैकेंसी 2023 के बारे में। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम डिटेल से चर्चा करेंगे दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल की जो वैकेंसी मार्च में इसका शेड्यूल आ रहा है, इसके बारे में कम्प्लीट तरीके से चर्चा करेंगे। क्या कितनी वैकेंसी रहेगी, कैटेगरी वाइज पूरी डिटेल से लिख रखी है मैंने, और यानी कब से आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे, और इसमें क्या आयु रहेगी आपके लिए, और क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा पूरा डिटेल से बताऊंगा, और यानी क्या आपके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन होने वाली है, और कब का लाइट लाइसेंस बना होना जरूरी है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कंप्लीट तरीके से इस पर चर्चा करते हैं। और सभी आपको बोलते हैं कि आपके सामने बहुत गोल्डन चांस है, मैं भी बोलता हूँ कि गोल्डन चांस है, लेकिन सभी बोलते हैं सिलेक्शन लेना कितना आसान है, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि सिलेक्शन लेना बहुत हार्ड है। तो आप पूरा वीडियो पूरा वॉच कीजिए, और पूरे वीडियो वॉच करने के बाद में आपको पता चल जाएगा सिलेक्शन लेना कितना हार्ड है। और जो हम इस वैकेंसी पर चर्चा करेंगे, जो 2021 में जो आपकी वैकेंसी आई थी, उसको आधार मानकर पूरी वैकेंसी का हम यहाँ जिक्र करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हर जो दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल संबंधित जो भी लेटेस्ट अपडेट है, वो भी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको मैं प्रोवाइड करूँगा। और करंट अफेयर और जनरल GS GKGS की भी आपको हर यानी कि वीडियो के माध्यम से प्रैक्टिस करवाऊँगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और मेरा तो एक ही कहना है कि आप वीडियो पूरा वॉच कीजिए, और ज़्यादा नहीं देखते हो तो ये जो सिलेक्शन, ये जो भाग है सिलेक्शन प्रोसेस, ये पूरा कंप्लीट तरीके से देखिए, क्योंकि आपको जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर, इसमें किस प्रकार से प्रिपरेशन करना है और कितना हार्ड आता है, ये तो आपको पता है। जो आपका यानी SSC 8 है, यानी पहले क्या था, दिल्ली पुलिस का सेल था खुद का, अब दिल्ली पुलिस का खुद का रिक्रूटमेंट है, यानी ये वैकेंसी है SSC 8 यानी दिल्ली पुलिस रिक्रूटमेंट के खुद के पास आ गए। जो इसका एग्जाम लेने वाली एजेंसी वो TCSE रहेगी आपके लिए, और पेपर का जो पीछे लेवल आता था जितना हार्ड है घुमाकर आता था, वही लेवल देखने को मिलेगा, वही एजेंसी है आपका एग्जाम कंडक्ट करवाएगी। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। तो यहाँ हम बात करेंगे टोटल पोस्ट है, आप सभी को पता है 6,433 वैकेंसी है। ये कुछ दिन पहले, एक डेढ़ मंथ पहले RTI रिप्लाई के माध्यम से आपको जवाब मिल गया था, लेकिन आपको यही पता है कि 6,433 वैकेंसी आने वाली है। लेकिन इसमें UR में सबसे अच्छी पोस्ट है, और यहाँ पर फीमेल, मेल और फीमेल की अलग अलग पोस्ट दे रखी है मैंने, और यहाँ पर टोटल है, यानी टोटल पोस्ट है मेल की 4,310 है, और 2,123 वैकेंसी है ये फीमेल की, और 6,400 ये टोटल वैकेंसी है। तो इसमें बात करेंगे यानी UR में 2,691 है, OBC में 239, सबसे कम पोस्ट है OBC में, और यहाँ फीमेल्स में भी 188 पोस्ट है, यानी ये 300 कुछ अप्रोक्स वैकेंसी है पूरी टोटल। लेकिन आपको पता है कि यानी कि कितनी कम वैकेंसी है, आप यहाँ अंदाज़ा लगा सकते हैं, यानी कि अब की पर OBC के साथ में कितना यानी कि गलत हो रहा है, कि यानी कि कितनी कम वैकेंसी आई है। EWS में तो क्या होता है कि जितनी टोटल वैकेंसी आती है उसका 10% EWS को मिलता है, इसमें तो कोई इश्यू नहीं है। और यहाँ पर जो SC ST है, इसको आरक्षण है, उस हिसाब से वैकेंसी मिली हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से कितनी वैकेंसी है। SC और ST में भी बहुत अच्छी वैकेंसी है, EWS में अच्छी है, लेकिन OBC में जनरल यानी फीमेल और मेल और फीमेल के लिए बहुत ही कम वैकेंसी है। तो इसके ऑनलाइन फॉर्म के बारे में बात करें तो यानी कि सब जगह आपको सुनने को मिल रहा है, 2 मार्च से फॉर्म स्टार्ट है, और 31 मार्च 2023 तक ये फॉर्म चलेंगे। लेकिन ये जो डेट दे रही है, ये ऑथेंटिक डेट नहीं है, सब जगह आपको देखने को मिल रहा है लेकिन ऑथेंटिक डेट नहीं है, यानी आपका मार्च में दिल्ली पुलिस का शेड्यूल आ जाएगा, लेकिन मार्च में फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन ये तिथि है जो ये 100% ऑथेंटिक नहीं है कह सकते हैं। एप्लीकेशन फीस रहने वाले आपके लिए 100 रुपए फीस है, वो OBC जनरल EWS के लिए रहने वाली है, और फीमेल SC ST के लिए कोई फीस नहीं रहेगी इस वैकेंसी में दिल्ली पुलिस में। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास 12वीं पास होना जरूरी है, और LMV मार्च से पहले का बना होना जरूरी है, लाइट मोटर व्हीकल 2-व्हीलर का लाइसेंस। और एज के बारे में बात करें तो 18 से 25 वर्ष है, वो एज किसके है, UR और EWS के लिए है। और ये एज कब से काउंट होगी, जब जिस दिन आपका नोटिफिकेशन जारी होगा उसी दिन से आपकी ये एज काउंट होगी। और OBC और SC ST में 3 वर्ष और 5 वर्ष की छूट रहेगी, और इसमें 3 वर्ष की छूट मिल सकती है कोरोना वाली,
अगर सरकार चाहे तो यानी एसएससी जीडी में जिस प्रकार वैकेंसी में छूट मिली थी वो इस दिल्ली पुलिस में भी मिल सकती है, लेकिन अभी इसके बारे में कोई इतना कन्फर्म तरीके से नहीं कह सकते क्योंकि अभी तक इसका कोई शेड्यूल नहीं है। और एग्जाम डेट के बारे में बात करें तो एग्जाम जून जुलाई से, यानी आपको पता है 2023 में ये पूरी भर्ती कंप्लीट होगी, यानी ज्वाइनिंग मिल जाएगी 2023 में। आपने पहले कुछ दिन पहले कोई एक सूचना आई थी, जवाब आया था, उसमें पता चला है। और यानी आपको पता है 2 दिन ये है दिल्ली पुलिस की परेड खत्म हो चुकी है फाइनल, यानी कि कह सकते हैं एक वो कसम दिलाते हैं, यानी कि आप मैं सच्चे व्यवहार से यानी ईमानदारी से सर्विस करूंगा, उस प्रकार से वो परेड कंप्लीट हो चुकी है और उनको अलग अलग क्षेत्र में ड्यूटी मिलने वाली है। तो यानी कि ये वैकेंसी अब इसी वैकेंसी का नंबर है। और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो यानी रिटन एग्जाम होगा पहले, और फिर फिजिकल, फिर मेडिकल, और डॉक्यूमेंट होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिजिकल के टाइम आपके डॉक्यूमेंट चेक हो जाएंगे और ये फिर फाइनल सिलेक्शन होगा। अब सबसे मेन यही है, यहाँ पर टॉपिक है एग्जाम पैटर्न, सब्जेक्ट, क्वेश्चन और मार्क्स। जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 नंबर, रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, मैथमेटिक्स 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, कंप्यूटर 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, और यानी टोटल 100 क्वेश्चन मार्क्स 100 मार्क्स, और टाइम के बारे 90 मिनट, और नेगेटिव मार्किंग 0.25। ये तो है पूरा दिल्ली पुलिस का सारांश। और फिजिकल इसमें यानी फिजिकल में 1600 मीटर दौड़ है, 14 किलोमीटर, 1400 14 मीटर 14 फिट लंबी कूद है ये होने वाले, इसमें 4.5 फिट ऊंची कूद है, इसमें तो आप सभी कर लोगे। तो यानी कि यहाँ तैयारी करने के लिए यानी दिल्ली पुलिस को, आपको पता है जो पिछली वैकेंसी हुई उसमें जीके कितना हार्ड आता है, और कंप्यूटर, आप आज से दिल्ली पुलिस की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कीजिए। और इसमें यानी कंप्यूटर में कौन सा टॉपिक पढ़े, एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल, ये आप पढ़ लोगे ना, यानी इसमें 6 से 7 क्वेश्चन इसी दो टॉपिक में से। दिल्ली पुलिस में चाहे हेड कॉन्स्टेबल हो चाहे दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल हो, इसमें 2 ही चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और टीसीएस द्वारा जो एग्जाम ली गई है वो इसी से, एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल में। और जनरल अवेयरनेस इसमें यानी कि आप 15 से 20 नंबर का करंट अफेयर का वेटेज रहता है इस वैकेंसी में। और रीजनिंग इतना कोई हार्ड नहीं आता है इसमें, श्रृंखला यानी कोडिंग डिकोडिंग यानी आपूर्ति गणना कथन निष्कर्ष ये ही ज्यादा टॉपिक आते हैं इसमें। और मैथमेटिक्स इतना लेवल हार्ड नहीं रहता, लेकिन जीके और कंप्यूटर का इतना लेवल हार्ड रहता है कि पूछो मत। कि हमने ही दिल्ली पुलिस की वैकेंसी के पिछले बार अच्छी खासी प्रिपरेशन की है। और जो ये बताते हैं ना सिलेक्शन लेना इतना आसान है, भाई सिलेक्शन लेना बहुत हार्ड है इस समय में। और सभी ये जो है ना, पिछले बार क्या हुआ था कि 35 लाख फॉर्म लगे थे, अब की बार आप देखना कि एसएससी जीडी वाला सिस्टम नहीं है, कम से कम 40 लाख फॉर्म लगेंगे इस दिल्ली पुलिस में, और सभी बेरोजगार यही है। और जो हेड कॉन्स्टेबल, एडब्ल्यू, एसएससी, जीडी सभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी एसएससी की, एसएससी में लगातार वैकेंसी आ रही है। तो यही सिलेबस है, सब में कुछ थोड़ा बहुत चेंज रहता है, उसमें इंग्लिश रहती है, इसमें इंग्लिश नहीं कंप्यूटर है। तो अब की बार इतना हार्ड होगा सिलेक्शन लेना, पिछली बार जो यूआर की 71 कट ऑफ गई थी, अब की बार 75 कट ऑफ मानना, और ओबीसी की 68 गई है, तो अब की बार 72 कट ऑफ मानना। कट ऑफ भी बहुत हाई जाने वाले दिल्ली पुलिस के हाथ में है, यानी पेपर भी अच्छी तरीके से यानी निष्पक्ष तरीके से नहीं होगा, क्योंकि पेपर भी यानी कि कई ज्यादा से ज्यादा धांधली होने के चांस रहेंगे, क्योंकि एसएससी के द्वारा भी बहुत होता था लेकिन एसएससी का इतना सामने नहीं आता था। दिल्ली पुलिस का जो पिछली वैकेंसी हुई है उसमें 3-3 बार दिल्ली पुलिस ने एग्जाम लिए हैं। सबसे ज्यादा आप जीके को फॉलो कीजिए, जीके में करंट अफेयर को, तभी आप फाइनल सिलेक्शन ले सकते हो इस वैकेंसी में। और मेरा यही कहना है कि और रीजनिंग और मैथमेटिक्स की इतने अच्छी कैलकुलेशन और प्रैक्टिस होनी चाहिए कि यानी 40 में से आप 35 मार्क्स लेके आते हो तो आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता। लेकिन ये जनरल अवेयरनेस है, इसमें ऐसे क्वेश्चन घुमा घुमा के डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, यानी कि जो आपने एग्जाम दिया तो आपको पता होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। जब ही दिल्ली पुलिस का यानी ऑफिशियल शेड्यूल आता है तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे दिल्ली पुलिस के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतनी ही बात करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।